बैग वैग लेके। जी क्या करें, अब हमारे जयश्री चाची ना, वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, बच्चा घर में। अब बच्चे को कैसे आप सिर्फ डांट सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, और पर उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, समझा सकते हैं और बहुत सारे चांसेस दे सकते हैं। तो उसी तरह जयश्री चाची भी है, जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उनको मैं आज तक उनको ब्लैकमेल करते आई हूँ कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको घर का हिस्सा नहीं दूंगी, घर के पैसे नहीं दूंगी, आप भिखारी बन जाओगे, आपको घर से निकलवा दूंगी। तो अभी तक मैं उन्हें ये ब्लैकमेल करती आई हूँ, बट उनको अब एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करिए, और चमेली की मदद से मेरा पूरा सामान पैक करा के मस्त प्लानिंग विनिंग करके मुझे बाहर निकलवाने की उनकी प्लानिंग हो चुकी है। तो मैं आती हूँ एज यूजुअल, मैं भी अपना तीर चलाती हूँ, वो भी अपना तीर चलाते हैं, पर फाइनली जीत राधा की होती है और हार जयश्री चाची की। तो जयश्री चाची को मेरी बात माननी पड़ती है और पैकिंग वही रुक जाती है, सपने जयश्री चाची के टूट जाते हैं। जी मैंने तो कुछ नहीं किया, बट एक बहुत ही हट के कुछ हुआ है घर में जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, और जयश्री चाची ने बस वो ठान लिया, वो पकड़ लिया कि वो अब राधा को ब्लैकमेल करेगी, घर से बाहर निकालेगी, पैसे ले लेगी। तो ये सब है, तो वो देखने और वो जानने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे जयश्री चाची के मामले में तो बिल्कुल नहीं। अब नेहा को बाहर निकलवा दिया, अब तो जयश्री चाची को भी ठीक करके रहेगी राधा। थोड़े थोड़े हो तो एलडी को तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना, इतना कुछ करने के बावजूद भी एलडी को ऐसे लगता है कि मैं गलत हूँ और मैं बहुत ही बुरी वाली राधा हूँ जिसके इंटेंशंस बहुत गलत है। पर ऐसे नहीं है, पर मेरी भी होप है, जैसे एलडी को कभी होप रहती थी कि कभी तो हाँ बोलेगी, कभी तो हाँ बोलेगी, तो मेरे भी ऐसे होप्स है कि कभी तो एलडी को पता चल जाएगा कि मैं अच्छी हूँ, सच्ची हूँ और सच्चे मन से जेन्युइनली उसके घर को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर वो समझ जाएगा। जी वही, क्योंकि एलडी को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं दादाजी से नहीं मिलूंगी, क्योंकि अभी तक दादा एलडी को ऐसे लगता है कि दादाजी की ये हालत मेरे वजह से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि आपको पता है कि असलियत क्या है, बट फिर भी मैं अपना मुंह नहीं खोल सकती जब मैं नहीं चाहती, और एलडी भी उसी इसमें है कि राधा ने ही सब कुछ किया है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि देखते रहिए, क्योंकि और सपोर्ट करते रहिए कि राधा जो भी कर रही है वो सच्चे दिल से कर रही है, और कभी ना जब प्रे कीजिए कि बस मेरा एलडी मुझे वापस मिल जाए और उसको पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।